हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एग्जाम हेल्पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका इसी मंथ EMRS का एग्जाम होने जा रहा है, इसके लिए मैंने आपके लिए दो सीरीज स्टार्ट कर रखी है। एक है मॉक वाली सीरीज और एक है थ्योरी वाली सीरीज, जिसमें मैं थ्योरी में आपको कंप्लीट बेसिक से कॉन्सेप्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज होती है, सब रिवाइज करवाता हूँ। और मैथ के मॉक में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा था, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है ये CBSE ने अपने पैटर्न के ऊपर कंडक्ट करवाया था, और हमारा जो EMRS का एग्जाम है वो भी कंडक्टिंग एजेंसी जो है CBSE को ही चुना गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जितना लगता है कि आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और फिर आप इस वीडियोज का आनंद लेते रहें, ठीक है। चलिए, पहली शिफ्ट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखा आपने तो बाद में बहुत ज़्यादा आपको ये बात पछताने को मिलेगी, काश मैं प्रीवियस ईयर देख लेता तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता 10-12 दिन 15 दिन, तो आपको पता लगता कि पैटर्न कैसा है। तो जा करके देख लीजिए, 1 मार्च का सेकेंड भी कराया है और फर्स्ट शिफ्ट भी कराया है। जो बहुत सारे सीरीज चला रखी है हमने, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, कंप्यूटर क्लास 1, कंप्यूटर क्लास 2। राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कंप्यूटर क्लास, और बहुत ही ज़्यादा मतलब सफिशिएंट कंटेंट है इनका कंप्यूटर के लिए। मैथ्स की क्लास नंबर 1 मैंने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मैथ आपको कंप्लीट करा दिया है। मेरी वीडियोस एकदम रेगुलर रहती हैं, ठीक है ना, टाइम पर, जैसे जैसे आपको होता है मैं पूरा का पूरा एक एक डेढ़ घंटे सिलेक्टेड मटेरियल PPT के द्वारा देना, सब कुछ करना, मैं सब कुछ अपना 100% दे रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को जाकर के विजिट करिए, ओके। चलिए मैं पेपर के ऊपर बढ़ता हूँ, वरना वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जिन लोगों की ये शिकायत थी कि सर वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा बनाने के चक्कर में क्वेश्चंस छूट जाते हैं, सारा सब कुछ हो जाता है, तो बच्चा मैं समझ रहा था, ठीक है ना, इसलिए मैंने वीडियोस की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी है, और अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, एक और बात मैंने कमेंट्स में आपकी पढ़ी, तो कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि सर आप इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन को पॉज कर दीजिएगा करें, ताकि हम इंग्लिश वालों को थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो। तो बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज से इस बात पर अमल करूंगा और इस बात को करके मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, ओके। तो मैं डायरेक्ट चलता हूं अपने मैथ्स वाले सेक्शन के ऊपर। मैथ्स वाला सेक्शन है 51 नंबर का। पहला क्वेश्चन आपको पता है सिंप्लीफिकेशन का ही डाल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है सिंप्लीफिकेशन की। देखो बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे अपन, द वैल्यू ऑफ, हिंदी में पढ़ लेता हूँ ना, हिंदी वाले बच्चों आ जाओ, इंग्लिश वाले भी आ जाओ यार, मैथ्स बायलिंगुअल चलता है, ठीक है ना। 6 1/8, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, भाग दे रखा है। फिर उसके बाद ये देखो ब्रैकेट, सबसे पहले बच्चा आपने को ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर एक ही अप्रोच बताऊंगा सबसे अच्छी। सबसे पहले आप बोलोगे सर ब्रैकेट और का में का सबसे पहले सॉल्व होगा, तो बच्चा मैं का को सॉल्व कर लेता हूँ। का को सॉल्व करूंगा तो 1/2 सब इसको सॉल्व करेंगे 3/14। आप बोलोगे हाँ सर 3/14 इसका आ गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बच्चा जब ये डिवाइड होता है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर ये पलट जाएगा। अब मैं बोलूंगा सर बिल्कुल पलट जाएगा, और बिल्कुल पलट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 14/3। क्या बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 × 5 = 20, 20 और 1 = 21। आप इसको जानते होंगे सॉल्व करना, मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करेंगे तो अपन यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर जब अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी 7 आएगा, और यहाँ नीचे 2 बन जाएगा, तो 49/2। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 49/2। जब अपन इसको बाहर निकालेंगे बच्चा, तो क्या वापस ये डिवाइड में है क्या, आप बोलोगे हाँ सर, आप इसको वापस उलट करके मल्टीप्लिकेशन में डाल दो, × 2/49। क्या सही किया मैंने, आप बोलोगे बिल्कुल सर अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है। 8 × 6 = 48 + 1 = 49, 49/8। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर के 1/4। आप बोलोगे सर ये वाली कहानी खत्म। अब इसके ऊपर आ जाओ, इसमें भी बच्चा एक तरफ मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, एक तरफ का है। सबसे पहले का को सॉल्व करो, का को सॉल्व करोगे तो 4 × 1 कितना हुआ, 4 और 1 = 5। 5/4 × 2/5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/2 आंसर आएगा, ये वाली कहानी खत्म। आप बोलोगे सर यहाँ पर वापस डिवाइड है, इसको पलट करके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसे हटाओ, मल्टीप्लिकेशन में 2/1 लेकर के आओ। 3/4 × 1/4 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चा ये आ जाएगा अपने पास 2,
और ये आ जाएगा 3/8। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो 1/4 आया था जो यहाँ सॉल्व किया था, इसका आंसर आ रहा है 3/8। जब अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया अपन ने 8, 4 से डिवाइड करें 2 बार, 2 - 8 से 8 1 बार, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 जब अपन इसे सॉल्व करेंगे माइनस 1/8 आंसर, यही अपना फाइनल आंसर है। क्लियर बच्चा? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो बच्चा मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन लगा देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ दें। वह अधिकतम संख्या जो 70, 112 तथा 217 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में यह दे, मतलब वह अधिकतम संख्या इनमें से कोई एक होगी। और बच्चा जब अपन इन तीनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करें तो प्रत्येक में 7 होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं करना होता, आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा कैसे एग्जाम में कर सकते हैं। बच्चा मैंने सबसे पहले 28 लिया, 28 को अगर मैं 70 से डिवाइड करता हूँ, आप बोलोगे सर 14 रिमाइंडर आएगा, क्या 14 रिमाइंडर है? नहीं है, तो बच्चा ये नहीं हो सकता। 42 को डिवाइड किया तो होएगा 28, क्या 20 रिमाइंडर है? ये नहीं हो सकता। 14 से डिवाइड किया पूरा डिवाइड हो जाता है, ये नहीं हो सकता। यही अपना आंसर है डायरेक्ट सॉल्व करने का, ठीक है ना? जो क्वेश्चंस में टाइम लेना होता है बच्चा, आप देखो ऊपर वाला सिंप्लीफिकेशन 2 मिनट में मैंने सॉल्व कराया, इसमें सेकंड लगेंगे तो सेकंड में ही सॉल्व करवाएंगे। ओके बच्चा, यही वाला टाइप आपको रखना है। बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं आज इंग्लिश में भी रोक रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है हमारी शिफ्टों का, बहुत अच्छे से इन्होंने सॉल्व कराया पेपर को, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चा आपको क्या पिछली क्लास से याद आ रही है, पिछली क्लास में मैंने एक चीज बताई थी आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या ये वाली चीज मैंने बताई थी आपको? आप बोलोगे सर बिल्कुल बताई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप इसको यहाँ पर लेकर के आ जाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को, तो यहाँ पर ए माइनस बी, इस फॉर्मूले पर आपके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंने समझा रखा है। तो बच्चा क्या आपको ये दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? आप बोलोगे हाँ सर। क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। पर सर ये जो है ना ये ए बी बनता हुआ नहीं दिख रहा। अरे बच्चा ए बी बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये बी है? आप बोलोगे हाँ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9.852 आएगा और ये हमारा ए होगा, क्योंकि बिना आइडेंटिटी लगे ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है ना? इतना बड़ा क्वेश्चन बिना आइडेंटिटी के सॉल्व नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट, अब बोलोगे आप सर ये वाला, तो बच्चा इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में, पहले इस एरिए को सॉल्व कर लो। जब अपन इस एरिए को सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे ए, ओ ओ ए प्लस आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी जब सॉल्व करोगे तो 9.852 0.148, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10.000, जो इसका मतलब 10। तो 10 यहाँ से सॉल्व करने पर आ गया। अब डिवाइड, डिवाइड कितना है? अब ये बोल रहा है देखो, क्या समझाता हूँ, सब समझाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो बच्चा हमारे को अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? आप बोलोगे सर ये डिवाइड में 1.6 की बार आ जाएगी। मैंने बोला हाँ यार, इसको सॉल्व करोगे आप बच्चा तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसको दोनों को तोड़ लो, ये तो एक अलग से चली रहा है, ये बार है, तो 1+ बार को आपको सॉल्व करना आता होगा। जब भी बार हटाओगे नीचे जीरो लगाओगे, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 2/3 आएगा, 2/3 इसको सॉल्व करोगे तो 5/3, क्या ये 5/3 आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर 5/3 आ रहा है। तो बच्चा ये 5/3, अच्छा ओके ओके, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड थोड़ी होगा बच्चा, ये यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सॉल्व करने पर 50/3 आएगा, जो कि 16 सही 2/3 आंसर देकर के जाएगा। शायद आपको ये वाली स्टेप कम समझ में आई होगी बच्चा, है ना, मुझे जितना लग रहा है। क्या मैं सही के पहचान पा रहा हूँ बच्चा? ये वाली स्टेप इसी तरीके से सॉल्व होगी। देखो 10 जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, जब अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे पलट करके ऊपर जाएगा, तो 5/3 ही तो होगा बच्चा, ठीक है ना? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन ही है, ठीक है ना बच्चा? हाँ, हिंदी वाले इंग्लिश वाले बोल रहे थे इंग्लिश वाले ये क्वेश्चन, हिंदी में ये क्वेश्चन। देखो मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको जल्दी से जल्दी। देखो सॉल्व करोगे तो आप देखो ऐसा बच्चा, मैं तुम्हारे को एक बता देता हूँ चीज। देखो जब भी आपको ऐसी टर्म में कोई क्वेश्चन मिल जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी,
तो बच्चा इसका डायरेक्ट आंसर आप लगाना 4। ये आइडेंटिटी कहती है, इसको रट लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगर बच्चा मान लो कि यही आइडेंटिटी उल्टी होकर के आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, तो आप इसका आंसर लगाएंगे -4। तो क्या बच्चा आपको ये बनता हुआ दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, ये वाला आंसर दिख रहा है, तो -4 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। कई क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा आपको पहले से आने चाहिए, यहाँ पर मैं उनका बेसिक नहीं समझा सकता कि ये कैसे आया क्या आया, बट ये है कि मैं आपको उतना तरीका समझा दूंगा, खोल के समझाऊंगा बच्चा, चलो ठीक है, किसी को नहीं आया तो मैं खोल के भी समझा देता हूँ। ये खोलेंगे अपन तो कितना आएगा बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मत खुलवाओ यार, ठीक है ना, डायरेक्ट ही याद कर लेना, जिसको खोलना है वो घर पे बैठ करके ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो खोलना आता होगा ना, कर लेना सॉल्व, -4 ही आएगा, ठीक है बच्चा। आगे चलता हूँ मैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भोकाल सीरीज के अंदर मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ा रखी है, क्या डायरेक्ट वही है क्या 8 × 9, यही है ना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से डिवाइड होगी, ऑप्शन में से चेक करना है बच्चा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 8, 8 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, कि तीसरी संख्या अगर विषम है तो इसमें 4 ऐड करो, और अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो यही आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। इसमें 4 ऐड करेंगे 76, आप बोलोगे सर 76 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 68 ये विषम है, विषम करेंगे तो ये 4 से ऐड करके 72 डिवाइड होता है, ये ऑप्शन हो सकता है। 78 ये सम है, 78 को डायरेक्ट डिवाइड करके देखो 8 से नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। 72 जीरो जो है सम भी नहीं होती विषम भी नहीं होती, पर एक तरीके से ये सम में कंसीडर कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, मान लो, ठीक है ना, तो इसलिए 72 ही डायरेक्ट लेंगे, तो ये भी आंसर आपका हो सकता है। अब अगर ये यहाँ से 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, तो अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 9 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करते हैं बच्चा, कैसे मैंने सिखाई थी, सबका जो टोटल है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो सॉल्व करके देखो बच्चा। सबसे पहले हमारे पास काटने में आऊँ क्या, काटूँ, देखो 7 और 2 9, 9 हो गया, काट दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 7 और 5 20, और 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 12 और 8 20 20 और 7 27, 27 का डिविजिबल होता है आपका, 100% यही आंसर आएगा, ये भी ऑप्शन कट गया। तो अपने को गलत आंसर ढूंढना होता है, सही आंसर ढूंढने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है, गलत आंसर छाटते जाओ आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको भोकाल सीरीज के अंदर करवा रखा है, अगर किसी को नहीं आता तो जाकर के उस चैनल को विजिट कर लीजिए, आपको पूरा प्लेलिस्ट पता, इवन बहुत लोगों को हेल्प हो रही है यार, मुझे अब टेंशन ही नहीं है, तुम व्यूज दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये है कि मैंने जितना मेरा शिद्दत से काम किया है उतना मेरे को गारंटी है कि हाँ यार मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में भी आया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्सनल मैसेज भी आते हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। एक साथ मिलकर के ए बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन उन्होंने मिलकर के काम किया, याद करो बच्चा मैंने बताया था आपको बेसिक से सॉल्व करना, जब भी 3 वाले का आ जाए तो आप क्या करो, 12 है तो इनकी एफिशिएंसी टोटल की मान लो 1 है, तो माना टोटल मिला करके इनकी एफिशिएंसी जो है वो 1 है। अब बच्चा तीनों मिलकर के काम करेंगे तो मैंने बताया था एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन आ जाएगा, 2 वर्क इन्होंने कर दिया है, 10 वर्क जो है वो रिमेनिंग है, ओके बच्चा है 10 आ गया। अब बच्चा वो वाला जो काम है सी छोड़ करके चला गया, ए और बी ने कितने दिनों में किया है, 15 दिनों में, तो आप बोलोगे सर ये जो रिमेनिंग वर्क 10 है ना ये इन्होंने 15 दिनों में किया है, तो क्या ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई क्या, आप बोलोगे हाँ सर ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई। बोला है कि सी कितना दिन में करेगा, तो बच्चा एक बात बताओ हमने ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मानी थी, आप बोलोगे 1। अगर मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी इसमें से माइनस कर देता हूँ तो क्या सिर्फ सी की एफिशिएंसी बचेगी, आप बोलोगे हाँ सर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा और ये सिर्फ सी की एफिशिएंसी है। बच्चा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा रखा है भोकाल सीरीज के अंदर, जाकर के देखना सी अकेला प्रारंभ में कितना काम करेगा। तो बच्चा एक बात बताओ 12 दिन का काम है, मतलब 12 काम अपन ने मान लिया था, काम टोटल 12 है, माना टोटल काम 12 है, और अगर जब अपन इसको मान लेंगे तो 12 काम टोटल, एक सी की एफिशिएंसी कितना 1/3 पलट करके ऊपर जाएगा, 36 डेज हमारा आंसर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने जो रिमेनिंग वर्क वाला कॉन्सेप्ट बताया था क्या वो इसमें लगा सकते हैं, बच्चा रिमेनिंग वर्क कॉन्सेप्ट आप सिर्फ 2 ही पीपल पे लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप इसको यहाँ पर
रिमेनिंग वर्क कॉन्सेप्ट लगा के बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर तो 3 वेरिएबल होंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट, जो मैंने दोनों तरीके, इसलिए मैंने बताता हूँ दोनों तरीके, ताकि अगर वो वाला फेल हो जाए तो ये वाला आप लगा सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वालों, इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन बच्चा है ना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। चलो इंग्लिश वाले बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो इसको तो मैं यहीं पर ही सॉल्व करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी मिलकर के किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन मिलकर के काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया, तो बताइए तब शेष कार्य को अकेला पूरा करने के लिए ए को अगले 20 दिन में पूरा किया, ठीक है ना। तब बताइए कि ए अकेले उस संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब बच्चा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रिमेनिंग वर्क कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। ए प्लस बी जो है कितने दिन काम किया बच्चा, 20 दिन काम किया 30 दिन में से, तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम शेष बचा हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर सही है, बी ने काम छोड़ दिया तो शेष काम को अगले 20 दिनों में किसने किया, ए ने किया। तो सर आप बोलोगे कि ये जितना सर वर्क डन, रिमेनिंग वर्क है ना, उतना ही ए ने 20 दिन में कर दिया, तो बच्चा ए ने 20 दिन में उतना ही काम किया था जितना यहाँ पर बचा हुआ था। बस सॉल्व कर लो बच्चा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, 10A प्लस 10B बराबर 20A, जब इसे सॉल्व करोगे तो 10B बराबर 10A, ठीक है ना। दोनों की एफिशिएंसी बराबर आ गई, 1:1, जब 1:1 दोनों की एफिशिएंसी आ गई, तो पूछा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा। बच्चा ए प्लस बी कितने दिनों में मिलकर के कर रहे थे, 30 दिनों में। अगर दिन से एफिशिएंसी को, टोटल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्क आ जाएगा। आप बोलोगे सर वर्क आ जाएगा, वर्क में डिवाइड करेंगे अगर एफिशिएंसी का 1 का, तो आपके पास 60 डेज इसका आंसर आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, ये पता नहीं ऐसा क्वेश्चन दो दो बार मैंने भोकाल सीरीज के अंदर करा दिया, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। किसी को कंटेंट रिलीवेंट नहीं लग रहा हो तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो आ रहे हैं। क्या ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको कराया नहीं बच्चा, एवरेज में जाकर के उठा करके देखो, एवरेज में ये वाला क्वेश्चन करा रखा है डिट्टो सेम टाइप का। मैंने बताया था कि आरंभ में बच्चे पूछने वाला क्वेश्चन आएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंग्लिश वाले ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है। एक समूह में कुछ बच्चों का औसत भार 47.5 kg है, जब आप औसत भार 55 kg वाले 3 और छात्रों को सम्मिलित करते हैं और भार 45 वालों को 7 बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तब बताइए समूह में औसत 2 किलो बढ़ जाता है, तो समूह में आरंभ बच्चों को बताइए। सेम टाइप का, सेम बार बार मैंने 2-3 बार वहां पर सॉल्व करवाया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है। देखो कैसे बच्चा, मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, टोटल चेंज इन आज 7:30 पौने 8 के समथिंग हो गए, 7:30 के समथिंग 8 बजे लगभग लगभग घर पहुंचा, फिर आकर के डायरेक्ट वीडियो वो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिमाग थक जाता है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करवाता हूँ, देखो चेंज इन टोटल ऐसे करना, चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन एवरेज, ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, जो कि एन नंबर ऑफ का आता है, ठीक है ना। ये फाइनल नंबर का होगा, ध्यान रखना है ना, जो लास्ट में आपके पास बच्चे बचते हैं उनका नंबर होता है ये, ठीक है ना। तो चेंज इन टोटल कैसे निकालेंगे बच्चा, मैंने चेंज निकालने के लिए बताया था आपको 47.5, अगर 55 ये हो गए सम्मिलित, तो इसका मतलब बच्चा अपने पास एक्स्ट्रा बच्चे आए। आप बोलोगे हाँ सर, इसमें एवरेज में कितना चेंज हुआ है फिलहाल, आप बोलोगे सर एवरेज में चेंज हुआ है 7.5 का। अगर 7.5 का चेंज हुआ है 3 बच्चों में, ये तो एवरेज के अंदर हुआ ना, अगर 3 बच्चों में करोगे तो टोटल चेंज आ जाएगा, टोटल चेंज कितना आएगा बच्चा बताओ, 22.5। यहाँ से आप इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये एक बच्चे का एवरेज का था, अपन को टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कितना आया बच्चा बताओ, 7 × 14 17.5.5, ये आ गया अपने पास 40। आप बोलोगे सर चेंज इन टोटल आया है 40, यहाँ पर क्या बोला है बच्चा, चेंज खुद ने बोला है ना कि 2 किलो औसत बढ़ जाता है, तो फाइनल चेंज कितना आया एवरेज में, 2, तो आप बोलोगे सर 20, पर आप बोलोगे सर 20 तो ऑप्शन में है नहीं, तो बच्चा मैंने क्या बोला तुम्हारे को, ये फाइनल जो आपके पास क्वांटिटी बची हुई होगी ना उसका आएगा। उसने क्या बोला है कि समूह के प्रारंभ में बताओ, तो एक बात बताओ बच्चा,
आपके पास 7 बच्चे छोड़ करके चले गए थे, आप बोलोगे इन 7 को वापस बुलाओ, आप बोलोगे सर 27 हो गए, क्या इनमें से 3 बच्चे नए आए थे, तो आप बोलोगे सर इन 3 बच्चों को हटाओ तब जाकर की तो आपके पास पहली क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप सही कह रहे हो सर, इसका 24 आंसर आएगा। जिन्होंने भोकाल सीरीज देख रखी है उनको ये बात पता होगी, मैंने ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है ना। बशर्ते अंतर इतना सही है कि वहां पर डायरेक्ट अपने को चेंज निकाला जाता था, यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करके अपने को निकालना पड़ेगा, पर टाइम बिल्कुल टाइप जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। चलो हिंदी में इंग्लिश में क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ, ये बच्चा इंग्लिश वालों के लिए भी क्वेश्चन आ गया है। 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है 55 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि 62। ये सेम का सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है, मैंने आपको बताया था कि 62 माइनस 26, ठीक है ना। पहले 62 को गलती से अपने 26 पढ़ लिया है, तो अब एवरेज बढ़ेगा। आप बोलोगे सर बढ़ेगा क्यों, क्योंकि बच्चा अभी पहले एग्जैक्टली 62 था पर वो 26 हो गया, तो इन दोनों का जो अंतर है वो एवरेज को बढ़ा करके जाएगा। तो बढ़ा करके कितना जाएगा, आप बोलोगे सर 36 बढ़ा करके जाएगा। कितने बच्चों में, टोटल 8 बच्चों में एवरेज, तो प्रत्येक एक एक बच्चे को अपन ने डाल दिया एवरेज। एवरेज कितना बढ़ेगा बच्चा बताओ आप, ये बढ़ेगा 4.5। जब 4.5 बढ़ेगा तो 55 + 4.5 = 59.5। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने भोकाल सीरीज के अंदर करा रखा है। फिर आप बोलेंगे कि सर बार बार एक ही लाइन बोलते हो, इरिटेशन होती है। बच्चा इरिटेशन तो आपको होगी, ठीक है ना, क्योंकि जब आप पढ़ते लिखते नहीं हो तब तो आपको इरिटेशन कुछ होती नहीं है, ठीक है। पढ़ लो बच्चा पढ़ लो, ठीक है ना। एक अच्छी सरकारी नौकरी, जैसे आज हम लगे पढ़े तो हमारे माँ बाप को प्राउड फील है कि हमारा बच्चा करियर सेट हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, अब हम तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं, क्या मिलता है हमें, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना। ये तो मैं वैसे ही पूरा का पूरा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई पैसे के लिए थोड़ी आए यहाँ पर, सिर्फ हेल्प करने के लिए आए। पैसे के लिए आता ना तो बस क्लास लेता और काम खत्म कर देता, खुद के पर्टिकुलर टेलीग्राम दे रखा है, जिसको भी टेलीग्राम पे वो देखना है तो NITYA1998 इस पे डाउट सॉल्व कर लेना, डाउट भी पर्सनल सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, इतना सब कुछ कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 205 प्राप्त अंक किए, 5 अंकों से फेल हो जाता है, क्या डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन भोकाल सीरीज में नहीं कराया, करा रखा है, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डायरेक्ट बताया था बच्चा इन दोनों को पासिंग बना लेना, 210 करेंगे तो 210 बराबर पासिंग मार्क्स के आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 600 के बराबर आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 210 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये जाएगा 20 बार, ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 30 बार, 30 मल्टीप्लाई बाय 20, 600, खत्म। जिन बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चन देखना है इंग्लिश में देख लो, सेम का सेम क्वेश्चन मैंने भोकाल सीरीज के अंदर करा रखा है, जाकर के देख लेना, ठीक है ना। नहीं देखो तो फिर तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था, याद करो, किसी परीक्षा में प्रत्याशियों में 40% लड़के हैं। बच्चा मैं क्या रेशो ले सकता हूँ, आप बोलोगे सर 2/5 इसका वो होता है, तो 2 तो आपका टोटल आ गया, 5 तो टोटल आ गया, और 2 अगर लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं तो 3 जो है बच्चा लड़के हैं। 2 अगर लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं तो ये हो गई गर्ल्स, ये हो गए बॉयज। अब अच्छा क्या बोला है, 65% लड़कियां पास हुई, 65% लड़कियां पास हुई है, 65 लड़की पास हुई है, तो 350 जो है वो फेल हो गई, ठीक है ना, 350 फेल हो गई। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बता दो, नहीं बता सकते क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसको सॉल्व करवा जाओ। देखो दोबारा सॉल्व करवा देता हूँ, परसेंटेज ऐसे मान करके वैसे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 40-40 में 40% ये, 60% अदर हो गया, ठीक है ना, प्रत्याशियों में। इसकी 65% लड़कियां पास हुई है बच्चा, ठीक है ना, 65 पास हुई है तो बची हुई है। 40% अगर लड़कियां थी, 65% पास हुई है तो नापास कितनी हुई, आप बोलोगे सर अगर 65% पास हुआ है तो 35% फेल हुआ है, खत्म, यही है ना बच्चा। 40 का 35% फेल हुआ, बस यही 350 के बराबर दे रखा है। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 लगाएंगे, करो सॉल्व, 35 से 10 बार, 10 को यहाँ पर 100 और लगा देंगे, डिवाइड बाय 40, ये आ गया अपने पास 25। एक की वैल्यू 25 आ गई, 100 के बराबर वैल्यू चाहिए, 2500, बात खत्म, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना, बेसिक भी यही है, सब कुछ यही है, वो बता रहा हूँ।
है ना, इजी क्वेश्चन है बच्चा, ज्यादा परेशान नहीं होने का, ठीक है ना। आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम लग रहा होगा, बहुत ऑफिस में काम था, ठीक है ना। फिर भी मैं क्लास लेने आया हूँ, क्योंकि आपका इतना इंतजार रहता है कि नहीं सर डेली मॉक कराइए, और मुझे भी लगता है कि 15 दिन की मेहनत है, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अविन ने 20% की हानि पर एक पंखा अमित को बेचा, 4,000 रुपये का। बच्चा अगर वो 20% की हानि पर बेचा, तो मैं तुमको से पूछता हूँ कि उसका सीपी कितना था। आप बोलोगे सर सीपी अगर ये 20% हानि पे बेचा है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो 80% के बराबर है। बहुत लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये 5,000 रुपये उसका सीपी है पंखे का। आगे क्या बोला है, अमित ने चारू को उस मूल्य पर बेचा जिस मूल्य पर अविन उसे बेचता, तो उसे 12% का प्रॉफिट होता। बच्चा सीपी पर प्रॉफिट और लॉस की गणना होती है, तो अपन 5,000 रुपये का 12% लाभ कमाना चाहते हैं। तो आप बोलोगे सर 12 5600 है ना, 5600 आएगा, 5600 एसपी होता। तो अमित ने चारू को उस मूल्य पर बेचा जिस मूल्य पर क्या है उसको 12% लाभ होता। तो 5600 रुपये का चारू को उसको बेचना था पंखा, ठीक है ना। यदि चारू ने पंखे को कितने का बेचा, 6356 का बेचा। अब बच्चा एक बात बताओ, जो अविन के लिए सेलिंग प्राइस है, क्या चारू के लिए कॉस्ट प्राइस है? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि चारू खरीदने वाली है। तो चारू के लिए जो सीपी है वो कितना है, 5600 रुपए। चारू ने वो पंखा कितने का बेचा बच्चा? आप बोलोगे सर चारू के लिए जो एसपी है वो कितना है, 6356। तो बच्चा क्या प्रॉफिट की गणना अपन एसपी माइनस सीपी से करते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, 6356 में से अगर 5600 माइनस करोगे तो 6 5 और 7, 756 जो है सर प्रॉफिट आ जाएगा। 756 का प्रॉफिट आपका 5600 रुपये पे होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 13.5 आंसर आएगा, ठीक है ना। मैंने आंसर की चेक कर ली थी, 13.5 इसका आंसर आएगा। सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करवा लेता हूँ। 56 56 से सॉल्व करोगे कितनी बार, 56 बार, 1 बार सॉल्व करो कितना आता है बोलो, कितना? अरे 14 और 5 19 होएगा ना बेटा, 19 19 से 6 बार, इसको अपन 3 बार करेंगे तो 168, 168 का 3 बार पॉइंट आ जाएगा 5। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2, और ये 28, 28 को करेंगे तो 0.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन बच्चों को हिंदी में देखना है, इंग्लिश में देखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुक गया हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। नरेश ने एक वस्तु 60,000 रुपये में खरीदी, उसे 20% की हानि पर बेच देता है। इससे प्राप्त जो धनराशि है उससे वह एक वस्तु और खरीदता है और 25% के ऊपर बोर कर देता है। अब देखो समझना बच्चा, मैं अगर इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कराना चाहूँ तो आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करवा सकता हूँ, पर मैं बेसिक से पहले सॉल्व कराता हूँ। 60,000 रुपये को 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा, तो आप बोलोगे सर इसका 12,000 होता है, तो 48,000 में वो उसने वस्तु बेची होगी, क्या सही है? बिल्कुल। इसे प्राप्त धनराशि उसने कितने में बेची, कितने में वो करी, इससे एक प्राप्त धनराशि थी, उसने एक वस्तु खरीदी, मतलब 48,000 रुपए की उसने एक वस्तु खरीदी और उसको 25% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब 12,000 रुपए उसने लाभ कमाया और 48,000 पे उसका कॉस्ट प्राइस था, तो 60,000 में उसने एसपी बेच दिया। अब बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर उसको कितना लॉस हुआ था? आप बोलोगे सर 12,000 रुपए का लॉस। यहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर 12,000 रुपए का प्रॉफिट। क्या नलीफाई हो गया क्या? आप बोलोगे सर कोई लाभ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ डायरेक्ट। जब भी बच्चा ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप क्या करो, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मैं समझाता हूँ आपको, एक बात बताओ बच्चा, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आती है सर? आप बोलोगे सर 1/5। 5 की चीज अपन ने 4 में बेची, यहाँ पर बच्चा 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 4 की वैल्यू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 से 5। क्या बच्चा यहाँ पर भी 20 कॉस्ट प्राइस आ गया, यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी 20 आ गया। सेलिंग प्राइस और जब एसपी और सीपी जब बराबर होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बेसिक से भी बता दिया, ठीक है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन के अंदर, जाकर के भोकाल सीरीज को विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं देखनी है तो वो आपकी मर्जी है, सिलेक्शन कोई और ले लेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी इंग्लिश वालों के लिए साथ में, ए और बी
कि वार्षिक आयु जो है अनुपात 7:6 है, 78 उनकी आयु का योग है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। ये सेम का सेम क्वेश्चन बोकाल सीरीज के अंदर करा रखा है। इरिटेशन हो रही है तो आपको तो इरिटेशन होगी क्योंकि आपने पढ़ नहीं रखा है, ठीक है ना। चलिए छह बता दीजिए, छह। और जो भोकाल सीरीज वाले हैं वो कमेंट डाल दिया करो ना नीचे यार बच्चा, जब आप पढ़ते हो मुझसे तो कमेंट करने में क्या दिक्कत है, फालतू की चीजें तो देखने में आपको बहुत मजा आता है, ठीक है। तो कर दिया करो बच्चा कमेंट। जब अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 42, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 36, 10 साल बाद अगर आप बात करोगे तो इसका हो जाएगा 52 और इसका हो जाएगा 46, जब अनुपात निकालेंगे तो 26, 23 जो कि आपका सही आंसर है। सेम क्वेश्चन डाला है शीट में, देख लेना चाहो तो अगर यकीन नहीं हो तो, ठीक है। चलो नया क्वेश्चन 115 नंबर, इंग्लिश वाले को इंग्लिश क्वेश्चन में देख लेना। मिश्र धातु ए और बी में जस्ते तांबे के अनुपात का 1:3 है, 7:2 है, ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए। क्या मैंने सुबह जो मिक्सचर की क्लास ली थी एलिगेशन की, आज ही वीडियो अपलोड हुआ है, क्या सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा है, जा करके देख लो, एलिगेशन बाद में पछताओगे, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर कोर्स में अवेलेबल नहीं है, तो कोर्स में अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। कमाल करते हो पांडे जी, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए फिर भी। चलो कोई बात नहीं, जिसको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। अब क्या बोला है देखो बच्चा, जस्ते और तांबे का अनुपात, तो मैं बोलता हूँ जस्ते जस्ते को ले लेता हूँ, किसी एक पर एलिगेशन लगाना होता है। आपने ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, 7/9 बीच में। अब बच्चा यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज होगा, देखो यहाँ पर वो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने में रह ही गए। बच्चा इन्होंने क्या बोला है, तांबे और जस्ते का अनुपात यहाँ पर अलग दे रखा है, यहाँ पर अलग दे रखा है। पहले तो इसको सेट करो, 2:1 जस्ता लिया था तो जस्ता 2/3 हो जाएगा। अब बच्चा मैंने बताया था इनको बेस को बराबर कर लो, आप इनका एलसीएम लो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 36 आएगा, 36 आएगा ना, तो बच्चा 36 बनाना है इसको। 36 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 9 से कर लो, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 9, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 36 आ जाएगा। फिर इसको 12 से कर दे, आप बोलोगे सर 12 से कर दो, यहाँ पर 36 आ जाएगा। बस अब इस पे एलिगेशन लगा दो, ठीक है ना। तो जब एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 19 से 15, 4:15, 4:15 ही अपना राइट आंसर आएगा। बस यहाँ गड़बड़ होने की दिक्कत थी, बाकी जिसने भोकाल सीरीज देख रखी है उसको पता होगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे। ओके 115 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 116 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलूं यार मैं, मैंने सिंप्लीफिकेशन क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट कराया था, जाकर के देख लो शीट में से 20-22 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, सेम का सेम कराया था। जिनको इरिटेशन हो रही है होने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भोकाल सीरीज वाले बहुत आगे जाओगे, टेंशन मत लो। साधारण ब्याज, क्योंकि मेरा मानना यही है, मेरी मदर हमेशा एक ही बात कहती है, बच्चा जो भी आपको काम करना है ना वो शिद्दत से करो, ठीक है ना। वो ऊपर वाला देख रहा है, दिल से करो। तो मैंने ये जो YouTube पर फ्री पढ़ाया है ना पूरा का पूरा, वो पूरा शिद्दत से पढ़ाया है कि नहीं बच्चों का हेल्प होनी चाहिए। जिस तरह मेरे पेरेंट्स को गर्व है ना, उस तरह हर पेरेंट्स को गर्व होना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर जिसने मेहनत करी है। और जिसने मेरे साथ मेहनत करी है उसको तो पता लग जाएगा 16 तारीख को, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बहुत अच्छा जाएगा पेपर, टेंशन मत लो, ठीक है ना। साधारण ब्याज की दर, किसी दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के लिए 28,320 हो जाती है, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। बच्चा क्या मैंने इन दोनों का अंतर लेना बताया था आपको, इन दोनों का अंतर है बच्चा 2 वर्ष। जब इन दोनों के अंतर को निकालोगे 2 वर्ष के बराबर सीआई आ जाएगा आपके पास, तो 31,200 - 28,320। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 2, 10 करेंगे 8, यहाँ पर 11, 11 से 3 गया 8, और फिर उसके 10, 2880। 2880 बच्चा 2 साल का ब्याज है, जब अपन 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1440 आएगा 1 साल का ब्याज, जब अपन 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4320। ये 3 साल का ब्याज है बच्चा, जब अपन 3 साल के ब्याज को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या मूलधन आएगा, आप बोलोगे हाँ सर मूलधन आएगा। 28,320 को माइनस करेंगे इससे तो आपके पास आएगा 320 से 320 चला गया 24,000 आपका आंसर। सेम क्वेश्चन करा रखा है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके का, ठीक है ना। लास्ट का टाइम है बच्चा, जितने वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराए हैं उनका रिवीजन कर लो, कर लो, कर लो प्लीज यार, ठीक है ना। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, पढ़ाने दो मेरे को और अच्छे से अच्छे मैं आपको कंटेंट देना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा कमेंट ना करें कि भाई तेज हो रहा है या क्या, मैंने बिल्कुल स्पीड स्लो कर लिया अपनी, ठीक है ना। कोई धनराशि, इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन, कोई धनराशि किसी
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको पता होगा कि जब 2 गुनी होती है तो 2 1 लिखा जाता है, और यहाँ पर लिखा जाता है कितने वर्षों में हुई, एक तो सबसे पहले ये समझना। उसी चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर उसकी दर जो है वो कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो बच्चा 16 गुनी की पावर देखो, क्या 16 गुना 2 की पावर 4 होता है? हाँ, आप बोलोगे सर सही है। 5 अगर यहाँ पर ये 1 है ना, तो डायरेक्ट बस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होता है, आपका आंसर 20 वर्ष आ जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बेसिक में जानेंगे। बाकी सिर्फ आपको अभी ये ध्यान रखना है कि जो भी ये पावर होती है इसको डायरेक्ट या मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ जो पेपर में आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। आगे चलो बच्चा, आगे क्या मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं बताया बच्चा पेपर के अंदर, मतलब जो हमारी सीरीज थी शीट के अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं डाल रखा, ठीक है ना। 2 समान की धनराशियों, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, जो भोकाल सीरीज का है वो आराम से 1.5 घंटे के लेक्चर को देख करके इसको सॉल्व कर सकता है। 2 समान धनराशियां क्रमशः 15% और 18% की ब्याज दर के ऊपर ही है। मैंने बताया था समान राशि है तो ये 100% होगी बच्चा, ठीक है ना। 100% का 15 15 होता है, फिर उसके बाद प्लस करेंगे अपन 18, सेम समान राशि है तो 18% 18 होगा 33 33 के बराबर आपके पास 3300 वैल्यू दे रखी है। 1 के बराबर हो जाएगी 100, और 100 हो जाएगी, और 100 के बराबर हो जाएगी 10,000 10,000 अपना आंसर। इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हाय तोबा नहीं है। ठीक है, चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है 119 119 के बाद अपन सॉल्व करेंगे 120 और अपना सेंशन करेंगे एड। देखो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले पढ़ लेना। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 155 लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। बच्चा क्या अब अगर कोई रेलगाड़ी कोई ऑब्जेक्ट को पार करती है तो एक तो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और अपनी खुद की दूरी को भी पार करेगी। तो बच्चा क्या दूरी जो है वो दोनों मिल जाएंगी क्या ये वाली? आप बोलोगे हाँ सर, दूरी जो है 275 हो जाएगी। अब बच्चा एक बात बताओ, दूरी जो एक 275 है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या यही फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है बच्चा? आप बोलोगे सर 275, टाइम कितना है 22, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट करना है अपने को 18/5 करके किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11 11 से 2 बार 11 से कितनी बार 2 बार 2 बार 22 5 55 25, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे 9 5 से 5 बार 5 × 9=45 45 ही अपना सही आंसर। सारे क्वेश्चन पेपर में टफ नहीं आते, कुछ ट्रिकी आते हैं, बाकी पूरा पेपर लगभग सिंपल ही आया है, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन 120 सॉल्व करते हैं। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है ना, मैं हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है ना। आपका जो भी दिक्कत होती है ना बच्चा, मैं खुद पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यार, और कोई करे या ना करे, मैं तो अपने तरफ से पूरा 100% देता हूँ। कमेंट पढ़ता हूँ कि ये बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ये करो बच्चों के लिए, ठीक है ना। कोई व्यक्ति एक नाव में धारा के प्रतिकूल 750 करता है, धारा के प्रतिकूल अगर 750 चलता है तो बच्चा a माइनस b, क्या यही होता है? a हमेशा अपन नाव की दूरी को करते हैं और ये हमेशा अपन धारा की चाल को करते हैं, क्या सही बात है? आप बोलोगे हाँ सर सही बात है। आगे चलो, क्या बोला है कि प्रतिकूल 750 मीटर की दूरी जो है 11 से 1/5 मिनट में। देखो बच्चा 750 मीटर की दूरी है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 45/4, तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अरे बता दो, कोई बात नहीं, 5 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा ये हो जाएगा, 5 से नहीं 15 से ही कर दो ना, 50/3 × 4। आप बोलोगे सर इसकी जो चाल है ना वो 200/3 जो है मीटर पर मिनट है, ध्यान रखना बच्चा, है ना। अभी बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसी स्थान पर नाव के द्वारा का मतलब और कोई नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ नाव की चाल है, तो नाव की चाल नाव के द्वारा अनुकूल वापस आ जाता है, अनुकूल भी है, तो अनुकूल का मतलब होता है a+b। जब अनुकूल होता है तो धारा की दिशा के साथ साथ में चल रहे होते हैं। तो बच्चा सॉल्व करो इसको, 750/7 मिनट, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 10 10 ही आएगा ना, आई थिंक 100 आएगा, 750/7.5/100 आएगा बच्चा, 100 आएगा, तो 100 मीटर पर सेकंड ये आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो
ये कट जाएगा 2a, 2a की वैल्यू कितनी आई बच्चा? आप बोलोगे 100 प्लस 200 बटे 3, जब इसे सॉल्व करोगे तो 500 बाय 3 हमारे पास आ जाएगा। ये जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 250 बाय 3 जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास 250 बाय 3 नाव की चाल आ जाएगी। इसी ने यही बात पूछी है कि उस व्यक्ति को स्थिर जल में नाव से कितना टाइम लगेगा। स्थिर जल का मतलब सिर्फ ओनली नाव की स्पीड कैलकुलेट करके आप उसमें डिवाइड कर दो तो 18 किलोमीटर। अब बच्चा किलोमीटर में अगर आंसर पूछा होता तो हम किलोमीटर में निकालते, पर सॉरी किलोमीटर दे रखा है, पर हमारा ये वाला जो आंसर आया है ये मीटर पर मिनट में आया है। तो बच्चा बस खत्म करो इसको, 18,000 मीटर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड करोगे 250 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो आंसर आएगा हमारा मिनट में आएगा। मिनट में अगर अपने को घंटे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 कर देना, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये गया, यहाँ से 300 बार कहेंगे ये कितनी बार गया। अरे बच्चा अगर नहीं सॉल्व करने आ रहा ना तो भाई क्या बोलूँ मैं यार तुमको, तैयारी बच्चा पेपर आ गया, आपने अपनी शिद्दत से तैयारी करी है, यह आएगा 3.6 खत्म। अब बच्चा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं तो कराने के लिए तैयार हूँ ना, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, मिनट में भी कन्वर्ट करके कराऊंगा, सेकंड में भी कन्वर्ट कराऊंगा, पर अभी तो आपको आना चाहिए। ये सेशन खत्म हो गया है आपका, ठीक है ना? आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो लग रहा होगा क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, पर क्लास तो लानी थी। क्यों? क्योंकि आप इंतजार करते हैं, आपका इंतजार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया, खुद सारे हाथ से सॉल्व करके गई हैं। द एग्जाम हेल्पर जी के आपको टेलीग्राम चैनल है, इसको जाकर के शेयर कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, आपके यहाँ पर पीडीएफ चलती रहती है। द एग्जाम हेल्पर चैनल हमारा मेन चैनल है, 37 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आगे ग्रोइंग चैनल है ये, टेंशन फ्री, आराम से विश्वास करिए, हम आपको भरोसा नहीं तोड़ेंगे। तो आज मैं आसिफ आपके लिए विदा लेता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके?